you, boys. Love you, girls. Hello, Archana ji. Hello, Sudesh. Hi. Today, I am very happy. Achha. In mahan kalakaron ke jo mujhe darshan karwa diye hain, Kapil, love you, yaar. Love you. Thank you. Main ehsaan kabhi nahi bol sakta, lekin ek request hai ki mujhe batao ki pehle washroom kidhar hai. Kyun? Pata nahi. Kise poochun? Mujhe lagta hai abhi washroom shayad bana nahi abhi. Aisa kyun? चलो कोई बात नहीं उदित जी ये नकली अरिजीत है क्या अच्छा, बात है क्या क्या कहा आपने ये नकली अरिजीत है तो क्या ये भी सब नकली है? नहीं ये असली है I'm sorry एक्चुअली क्या है कि यहाँ कपिल शर्मा शो में तो वो लड़कियाँ लड़के निकलाते हैं लड़के लड़कियाँ निकलाते हैं सिद्धू अर्चना निकलाता है यहाँ वैसे ही है आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ कोई ऐसे नहीं बन गया इसमें बहुत सारी मेहनत मैं क्या बताऊं आपको बता क्या क्या राज क्या है आपका घमंड नहीं नहीं एक्सक्यूज मी पहले पूरी बात सुन लिया करो अच्छा। घमंड एक ऐसी चीज है ऐसी बीमारी है कि जब किसी में आ जाता है कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाता वेरी गुड मैं आज भी कोई गरीब हो अमीर हो मैं किसी का फोन इग्नोर नहीं करता मैं सबके फोन उठाता हूँ 15-20 फोन मेरे पास हो चुके हैं अब मैं बेचने लेना किसी ने खैर सर शानदा आपने मुझे पहचाना कि नहीं हम दिल्ली एयरपोर्ट में मिले थे आपको भूल गया क्योंकि वहां पे बहुत रश था लड़के लड़कियां ऑटोग्राफ लेने के लिए इनकी नजर सीधी मेरे पे पड़ी मुझे कहते मेरा बैग अंदर रख ये एक विश्वास देखो मेरे पे इन्होंने किया मैं कभी नहीं भूल सकता सर क्या बात है अब बोलते रहे तो मैं सिंगर हूँ अब गाओ शानदा के सिंगर गाओ, मैं सिंगर क्या मैं गाने लिखे भी हैं शानुदा ने इतने गाने गाए हैं आपको पता नहीं आपका वो गाना बंगाली गाना मैंने लिखा था ये आपने लिखा है हाँ अभी अभी लिखा है मेरे को याद नहीं होता ना बंगाली गाना मैं बाहर लिख के याद करके आया सर बापीदा मार डालेंगे इसको सुनेंगे तो सर मैं आपको बोलूं ये सच है आप जैसा कोई नहीं बन सकता मैंने कोशिश की थी जादू तेरी नजर 5 मिनट में थक गया मैं आप इतना हसमुख मुंह बना के जो गाते मेरे से नहीं होता सर धन्यवाद गिटार बजा के गाना मतलब आपके पास ऐसा है पंच इसीलिए आप खाते रहते हो लंच सर जैसा मैं सिंगर वैसे वो कॉमेडियन सर बहुत मजा सर ये पंच जब बेटा सुनेगा ना खुश हो जाएगा कि पापा अच्छा करते हैं मैं सच्ची बताऊं सर आपकी थोड़ी बहुत मैं कॉपी कर लेता हूं इनकी भी थोड़ी बहुत कॉपी कर लेता हूं लेकिन अनुराधा जी अच्छा बताइए मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूं इनकी आवाज कौन कौन सुनना चाहता है प्लीज इजाजत है प्लीज प्लीज कैसी लगी उनकी आवाज जोरदार ताली नमस्कार अरे उदित जी खैर मैं बता दूं कि ये मेरे हस्बैंड हैं आपको शर्म आती है हेलो इतने बड़े सिंगर आए हैं और ये क्या बन के घूम रहे हो अरे आए तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं आप सोनी वालों को बोलो कि कि जब मैं आता हूँ तो इतने इतने बड़े सिंगर ना लाओ मेरे लेवल के लोग लेके आओ अब हम जेब कतरों को शो में नहीं बुला सकते लेवल के लोग लाओ किसी बड़े सिंगर के सामने कभी गाया भी है आपने सर श्री हरि प्रसाद चौरसिया साहब उनके सामने मुझे गाने का मौका मिला इतने खुश हुए उन्होंने अपनी बांसुरी मुझे दे दी हाँ कहाँ दी वो दिखाओ तो सही है कान के पीछे सट मारी उन्होंने ऐसी हरकतें करते रहते उदित जी आप ऐसे क्या कर रहे हैं उदित जी मैंने शादी से पहले सोचा था कि बंदा थोड़ा म्यूजिकल है हैं म्यूजिकल वाले थोड़े रोमांटिक होते हैं थोड़ा प्यार व्यार करेंगे लेकिन इस बंदे ने जब से शादी हुई है ना अर्चना मैम इसने मुझे ऐसे करके टच तक नहीं किया शराफत शराफत इससे ज्यादा शरीफ बंदा कौन होगा जो अपनी वाइफ को टच नहीं करता वाह 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 अच्छा तो उस दिन साली के कंधे पे हाथ रख के क्यों जा रहे थे साली आधी घर वाली आधा हाथ रखा था पूछो पिंकी को जाके पिंकी को तो मैं बाद में पूछूंगी देखिए आप अरे मुझे क्या देख रहे हैं मतलब उनको देखिए उदित जी मैं सच्ची कह रही हूँ मुझे लगा था कि आपकी तरह रोमांटिक बंदा होगा आपको एक बात बताऊं आप इतनी सुंदर क्यों हो क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं
यही मैं चाहती हूँ कि ये करे ऐसे पकड़ के और पीठ में ऐसे ऐसे करे जो आप कर रहे थे। ये तो मेरी आदत है। लेकिन ये मेरे मेरे पति ये ऐसे हैं कि मैं सच्ची कह रही हूँ। मुझे था कि उदित जी जैसे रोमांटिक निकलेंगे, लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। उदित जी ये मुझे कह रही म्यूजिकल, जो बंदा सारी उम्र फ्लूट पे रियाज करता रहे और जब परफॉर्मेंस की बारी आई उसको ढोल दे दोगे तो वो क्या करेगा? अच्छा मैं ढोल हूँ, खुद कौन सा सेक्सोफोन हो, शक्ल देखिए इनकी, ऐसे लगता हारमोनियम वो भी उसकी हवा निकली हो। अनुराधा मैम ऐसे कौन से पति होते हैं यार, पति होते हैं कपिल शर्मा जैसे, बीवियों का ध्यान रखते हैं। मैंने इस बंदे को बोला कि मुझे मेकअप चाहिए, ये मेरे लिए पौवा लेके आ गया। अरे तू मेकअप लगा के इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी पौवा लगा के मेरे को सुंदर लगती, मैं क्या करूं? सानू साहब सच बोल रहा हूँ, इसकी कुंडली इतनी खराब है, इसकी शादी नहीं हो रही थी। सबसे पहले इसकी शादी हुई थी कुत्ते से, पूछो। अब कौन सा इंसान से हुई है? शादी में सालियां क्या छुपाती है? जूते। लेकिन ऐसा जीजा देखा ना तो उन्होंने जूते नहीं जीजा ही छुपा दिया कि लोग कहेंगे आय हाय कैसा है। मैं तो उदित जी आप मेरी बात सुनिए पहले, आप बाद में कहिएगा, आप इनको ले जाइए गड्डी समझ के किसी मोड़ पे छोड़ ही आइए। सर अब ना घर की मुर्गी दाल बराबर, अब मेरे हुनर की तो कदर नहीं करती। 4 साल बाद शो मिला है, हुनर नहीं ह्यूमर पे जोर दो। हाँ लैरी जी आजकल मेरे से लड़ रही है ना, वो दिन भूल गई जब मेरे गानों पे मरती थी, जब मैं गाना गाता था ना। बस यही गाना मैंने सुना था, मुझे लगा आपका फैन है, पर सच में इसके पास रहने को घर नहीं भिखारी है ये। अनुराधा जी उस दिन मैं किचन में थी तो मुझे बोलते जल्दी बाहर आ, टीवी पे कुछ आ रहा है। मैंने कहा क्या? कहते हो धूल। इतना आलसी बंदा है ये, मैंने जब से इसके साथ शादी की है ना मैंने एक वक्त घर में चैन से खाना नहीं खाया। तू मुझे बता तो सही, तू चैन से खाना खाना चाहती है? मैं चमचे ना लाता है, मैं 2 साइकिल ले आता, चैन उतारता, चैन से खा लेती तू। कमाल कर रही है। वैसे मैंने और बोलना था उदित जी, लेकिन मैं इस बंदे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, और बीच में आप भी कितना मुझे कर रहे हैं। आप मेरी लाडली हो। मैं इनकी लाडली हूँ इसीलिए मैं इस बंदे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उदित जी मुझे जाने दीजिए, मेरे दिमाग की नस भर जाएगी इससे बात करते हुए। नहीं नहीं है इनके पास घर, इसीलिए मैं करता रहता हूँ सर सर सर। चलो कोई मैं बात जा रही, और आप ना मेरे घर में कदम नहीं रखना। ओके 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 चले जा रहे हैं। सर ये लड़ाइयां तो होती रहेंगी, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं, मैं 3-4 गाने तो आपके गा के जाऊंगा। इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम क्यों नहीं है जी, हमने सीखा है, इनके पास टाइम नहीं था, एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड कराए थे, मैं 2-3 गाने भी नहीं गा सकता। आज मैं वाकई धन्य हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इधर ले जाओ। थैंक यू थैंक यू, क्या बात है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.